हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक इन अवर चैनल में वेयर। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है डेल E6400 के ऊपर, और जो उसका मसला है वो आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा है। और दोबारा आपको बता देता हूँ, दिखा भी देता हूँ कि आप इसका पावर बटन प्रेस करेंगे आफ्टर 10 सेकेंड ही इज कॉज ऑफ पावर सेक, जो पावर का ऑन ऑफ यानी कि लाइट है वो बंद हो जाएगी, यानी कि पावर लैपटॉप की बंद हो जाएगी। मैं दोबारा से आपको ऑन करके दिखाता हूँ। सो गाइस, ये पावर ऑन होता है और बंद हो जाता है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, ये आपका मसला हल हो चुका हुआ है। सो गाइस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ गाइस। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसकी दोनों रैम उतार लेनी है, ठीक है गाइस। इसके रैम बैंक जो है इनको भी साफ़ कर लेना है, और इसकी जो रैम है इनको भी साफ़ कर लेना आपने, साफ़ कर लेना। लेकिन साफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आपने इसको लगा कर तो चेक कर लेना है, इसका और भी प्रोसेस है वो मैं आपको आगे दिखाने लगा हूँ। तो आपने रैम को भी साफ़ कर लेना है और इसकी जो नीचे स्लॉट्स हैं रैम की उसको भी साफ़ कर लेना है, ठीक है। ये रैम का मसला नहीं है, ये पावर का मसला है। तो इसके बाद जो है आपने इसकी सेल भी उतार लेनी है, प्रोसेसर का सिंकर भी उतार लेना है, और प्रोसेसर को जो है वो आपने एक दफ़ा से उतार के और अच्छी तरह से दबा के उतार के सेल को और पावर बटन को, यानी कि सेल को उतारना है, प्रोसेसर को उतारना है, रैम्स को उतारना है, ये सब चीज़ें आपने उतार के, तो जो इसका जो पावर बटन है वो आपने 30 सेकंड के लिए दबाना है। जी हाँ गाइस, वैसे 30 सेकंड के लिए मत दबाइएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने इसकी रैम, प्रोसेसर और सेल उतार लेना है, और इसका जो प्रोसेसर पावर का बटन है इसको 30 सेकंड के लिए काउंट कीजिएगा, प्रॉपर 30 सेकंड के लिए प्रेस करके रखिएगा। देन जो है आपने 30 सेकंड के बाद बटन को छोड़ के ऑल गैदर सेसरी, जो इसकी एक्सेसरीज लगी हुई थी वो आपने इसके अंदर पुट कर देनी है, ठीक है। वो आपने पुट करके तो इसको सही तरह से चेक कर लीजिएगा कि डस्ट वगैरह ना हो, ताकि कभी कभार इस तरह से होता है जब हम लैपटॉप को चेंज करते हैं ना गाइस, तो उसका जो डस्ट है वो दोबारा स्लॉट्स में आ जाती है और डिस्प्ले नहीं आता। तो अब जो है वो डिस्प्ले बिल्कुल ओके आ चुका हुआ है गाइस, लेकिन जो है ये स्क्रीन पे नहीं आ रहा, ठीक है गाइस, डिस्प्ले आ गया है। अब मैंने जब वो ऊपर LCD की स्ट्रिप खोली तो जो इसकी LED की वो जैक है ना वो नहीं लगी हुई थी, तो मैंने वो लगा के दोबारा आपको चेक करवा दिया कि आप चेक कर लें कि डिस्प्ले ओके, ठीक है गाइस। तो गाइस, बहुत मेहनत होती है इस चीज़ के ऊपर, तो गाइस आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है कि आप लोग आए चैनल पे, अपने वीडियो देखी। तो गाइस, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट लाजमी कीजिएगा गाइस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।